नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। सामान्य ज्ञान की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जीएस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा जूनियर असिस्टेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस टेस्ट को जरूर दें और कमेंट में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाए। तो दोस्तों, आज के हमारे ये सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, इको मार्क का प्रयोग उन भारतीय उत्पादों के लिए किया जाता है जिनके उत्पादन में पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंची हो, मतलब कोई नुकसान ना पहुंचाओ। ठीक हो दोस्तों, और यह जो प्रमाण पत्र है इको मार्क, यह 1991 से दिया जा रहा है किसके द्वारा, BIS द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, टू लेवल एनवायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, बताइए। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने आरंभ किया है, बताइए। ये रहे आपके ऑप्शन, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इको मार्क। ठीक है, और इको मार्क के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वर्क एज इंटरमीडियट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, बताइए दोस्तों। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है उत्पादक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है उत्पादक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of anthropogenic biome? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? Which of the following is an example of anthropogenic biome? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है फसल भूमि। ठीक है, फसल भूमि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, जीवोम क्या होता है, बताइए दोस्तों। जीवोम का मतलब होता है पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, बताइए। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, बताइए दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है इकोटोन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को हैज प्रोवाइडेड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है नीलगिरी जैव मंडल को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, द मैन एंड बायोस्पर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय, बताइए। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, बताइए दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यूनेस्को द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है यूनेस्को द्वारा। ठीक है दोस्तों, और बात की जाए यूनेस्को का गठन कब हुआ, तो इसका गठन 16 नवंबर 1945 में हुआ था। ठीक है, यूनेस्को का
गठन यूनेस्को की स्थापना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक जैविक मूल का है, बताइए दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है मूंगा। ठीक है दोस्तों, मूंगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है कोरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मूंगा कोरल। ठीक है, देखिए मूंगे छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं, ठीक है, तथा इनमें सुचारू रूप से जैविकीय पोषण की प्रक्रिया संचालित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन थी मूंगा के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों ये काफी सरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है। और यह वायुमंडल में ये कितने परसेंट पाई जाती है, तो इसका परसेंटेज होता है लगभग 78 से 79% ये वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 78 to 79% ये वायुमंडल में पाई जाती है। दूसरी गैस कौन सी होती है, दूसरी गैस होती है ऑक्सीजन, वो लगभग 21% पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा है इनमें से। देखिए ऑप्शन और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सागरीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है सागरीय महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा महासागर। ठीक है दोस्तों, महासागर इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत, निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देख लिया और ये रहे आपके ऑप्शन, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संपोषणीय विकास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है संपोषणीय विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देखिए संपोषणीय विकास मानव विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या मैंने बताया, संपोषणीय विकास मानव विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है, बताइए। Which of the following process does not occur in the water cycle? Which of the following process does not occur in the water cycle? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल में नहीं होती है, बताइए दोस्तों। तो इनमें से कौन सी वो प्रक्रिया जो नहीं होती है, दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है संयोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है संयोजन। ठीक है ना, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है कंपोजिशन, संयोजन इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, देखिए जल चक्र की जो प्रक्रिया होती है इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है, बाष्पीकरण, द्रवण, वर्षण, अंतः स्पंदन, अपवाह, संग्रहण। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सी नहीं आती है, संयोजन नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है, बताइए दोस्तों। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बीइंग इज, बताइए।
ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, सूर्य प्रकाश। ठीक है दोस्तों, सूर्य प्रकाश इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन परिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, बताइए। ऑप्शन देखिए और बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, जीव और वातावरण। ठीक है, जीव और वातावरण इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, बताइए। तो किसका अध्ययन होता है पारिस्थितिकी विज्ञान में? दोस्तों इसका सही उत्तर है वातावरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है एनवायरमेंट, वातावरण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा जीवीय संगठक नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन देखिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जी बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है एयर। ठीक है, बायो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है बायो। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बायो इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया जाता है, बताइए दोस्तों आंसर। ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है ग्रिनेल्स ने। ठीक है, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, बताइए ग्रिनेल्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है ग्रिनेल्स ने। ठीक है दोस्तों, और कब किया था, कब किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1971 में, 1971 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है, बताइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है दोस्तों, धान का खेत। ठीक है दोस्तों, देखिए धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील में से धान का खेत जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, कौन था संबंधित, बताइए दोस्तों। ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर रहेगा नम भूमि के। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, नम भूमि से संबंधित था। ठीक है, नम भूमि के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है नम भूमि से। दोस्तों अगर बात की जाए रामसर सम्मेलन तो ये है क्या, दोस्तों रामसर शहर जो है ये ईरान देश में पड़ता है, 1971 में ईरान में रामसर शहर में आर्द्र भूमि मतलब नमी भूमि का एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसका उद्देश्य था नम भूमि का संरक्षण। ठीक है, भारत जो है इसमें 1982 में शामिल हुआ, भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ, 1982 में भारत शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसके संरक्षण से भारत में, इसके संरक्षण के लिए भारत में 1987 से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ईरान में, रामसर जो है ईरान का एक शहर है।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट इको फ्रेंडली, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है यूकेलिप्ट्स, ठीक है यूकेलिप्ट्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, यूकेलिप्ट्स को पारिस्थितिकी का मित्र नहीं शत्रु कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह मृदा से पानी अधिक मात्रा में सोख लेता है। ठीक है, क्यों इसे मित्र नहीं कहा जाता, क्योंकि यह मृदा से पानी अधिक मात्रा में सोख लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा जंगल है जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमेजन वर्षा वन, ठीक है अमेजन रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह वन जो है यह विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। अमेजन वर्षा वन जो है ये विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बताइए इसका कौन सा सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है सामुद्रिक, ठीक है सी सामुद्रिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ये रहे आपके ऑप्शन, बताइए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पोषण स्तरों की कम संख्या, ठीक है पोषण स्तरों की कम संख्या, ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई को, ठीक है 22 मई को, ठीक है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, बताइए निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए दोस्तों ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है लकड़ी काटना, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है लकड़ी काटना, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही है जी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है गहरे सागर, ठीक है डीप ओशन, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है गहरे सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है यह किस आंदोलन का नारा है? बताइए दोस्तों, किस आंदोलन में यह नारा दिया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन। ठीक है, और चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वनों का संरक्षण। ठीक है, वनों का संरक्षण चिपको आंदोलन का उद्देश्य था, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, चिपको आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, चिपको आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है, बताइए कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है, कौन सा होता है? सोलर एनर्जी इसका सही उत्तर है, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा इसका सही उत्तर है। देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक सौर ऊर्जा ही होता है, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं, बताइए कौन से हैं? ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों नितल क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, फ्लोर जोन। ठीक है, नितल क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, बताइए कौन सा है इनमें से? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन उत्पादक घटक है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए बताते हैं, इसका सही उत्तर है हरे पौधे। ठीक है, इसका सही उत्तर है हरे पौधे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? नाम जानते हैं आप उनका? तो उनका नाम था अर्नस्ट हेकेल। ठीक है, कहाँ के थे? जर्मनी के थे, अर्नस्ट हेकेल। और कब किया था पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग? तो इसका प्रयोग किया था 1869 में। कब किया था? 1869 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, बताइए कौन आते हैं? ऑप्शन देखिए और बताइए कौन आते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरित पादप। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, देखिए हरे पौधे सूर्य से सीधे ऊर्जा ग्रहण करके उसे खाद्य में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए और बताइए, ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सर्वाहारी को, ओमनिवोरस को। ठीक है दोस्तों, ओमनिवोरस सर्वाहारी को इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम एक्ट्स एज इंटरमीडियरी बिटवीन बायोटिक एंड
अवायटिक किंगडम्स, बताइए बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। ये रहे आपके ऑप्शन, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है उत्पादक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है उत्पादक, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए उत्पादक इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, बताइए सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें है, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है जल चक्र में, ठीक है, किसमें है, जल चक्र में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, बताइए कैसा होता है, ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सीधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है सीधा, ठीक है स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है स्ट्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियली कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बताइए निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए इनमें से कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला, ठीक है क्लोरेला इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, और ये क्लोरेला शैवाल प्रजाति का जीव है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है, बताइए दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है रबर का पौधा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है, रबर का पौधा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, बताइए निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, बताइए ऑप्शन देखिए और बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्मॉग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है स्मॉग, ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है स्मॉग, ठीक है दोस्तों। चलिए स्मॉग इसका सही उत्तर है, और अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, बताइए दोस्तों सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, बताइए ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ओजोन, ठीक है ओजोन इसका सही उत्तर है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है एक सामान्य बातचीत की तीव्रता डेसीबल में इनमें से किसके बीच रहती है, जो हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं तो अगर डेसीबल में देखा जाए तो वो इनमें बताइए कौन सा डिजिट सही होगा, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 35 से 60, ठीक है एक सामान्य बातचीत की तीव्रता डेसिबल में इनमें से किसके बीच रहती है, तो 35 से 60 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं,
और अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, बताइए कौन से हैं। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है लाइकेन तथा मांस। ठीक है, लाइकेन तथा मांस, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, लाइकेन तथा मांस। और देखिए लाइकेन होता है ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है, बताइए मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है। ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, वन रोपण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, वन रोपण से। मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है, वन रोपण से। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और देखिए मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, तो इसके दुष्प्रभाव हैं कृषि क्षेत्र में कमी हो जाती है, ठीक है, बाढ़ आना, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, ये सभी इसके दुष्प्रभाव हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बताइए दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर रहेगा यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है यूट्रोफिकेशन, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, कोयला, पेट्रोल, डीजल का दहन मूल स्रोत है, किसका है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वायु प्रदूषण का। ठीक है, किसका है, वायु प्रदूषण का। ये तो सभी काफी सरल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन लेयर में बाधा। ठीक है, ओजोन लेयर में बाधा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इंटरप्शन इन ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर में बाधा, ओजोन परत में बाधा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है, बताइए अम्ल वर्षा में इनमें से कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा इनमें से कोई नहीं, अम्ल वर्षा में इनमें से कोई अम्ल उपस्थित नहीं रहते हैं, जो भी दे रखे हैं ये बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ये कोई नहीं होते अम्ल वर्षा में। ठीक है दोस्तों, अम्ल वर्षा में जो होता है H2SO4 की अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, और वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल के रूप में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड इसका सही उत्तर है, थर्ड वाला फ्लोराइड इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, वृक्ष का नाम बताइए जो धूल प्रदूषण को रोकता है, बताइए।
ऑप्शन देखिए और बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है सीता अशोक, ठीक है। ये धूल प्रदूषण को रोकने में उपयुक्त वृक्ष है, ठीक है, सीता अशोक वृक्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आर्सेनिक, ठीक है, इसका सही उत्तर है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, बताइए। जो तेजाब की वर्षा होती है अम्लीय वर्षा, वो किस देश में सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नॉर्वे, किस देश में होती है, नॉर्वे देश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है नॉर्वे, ठीक है दोस्तों। तो अम्लीय वर्षा सबसे ज्यादा नॉर्वे देश में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, आगे भी हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।